हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मापा परिचय में। आज मैं बनाई थी पनीर की सब्जी और साथ में बनाई थी मिल्क पराठा। बहुत ही अच्छा जाता है इसका कॉम्बिनेशन, बहुत ही टेस्टी लगता है। मिल्क पराठा और मिल्क की सब्जी मिल जाना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गैस ऑन कर ली थी, कढ़ाई रख दी थी गैस में। इधर मैं टमाटर दो और दो दो से तीन प्याज को छील ली थी, एक काट लहसुन की छील ली थी, प्याज को बड़े बड़े पीस में कट कर लेती थी। तीन प्याज ली थी, इतना काफ़ी है। और टमाटर को भी बड़े बड़े पीस में कट कर ली थी। उसके बाद में मैं इधर कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया था ना, तो इसमें डाल दी थी तेल। ज़्यादा नहीं डालना है, एक चम्मच डालना है तेल। फिर इधर देखिए, तेल जब गर्म हो गया ना, तब डाल दे रहे प्याज और लहसुन को। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो आवाज़ भी आपको अलग सी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि अभी ये सीजन ही चल रहा है, गले ख़राब और सर्दी जुकाम ये सब चल ही रहा है। डालने के बाद इसमें थोड़ी सी काजू और मिर्च डाल दी थी, साथ में नमक भी डाल दी थी। अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा दी थी। साथ में इधर मैं आटा लगा रही हूँ पराठा के लिए। मिल्क पराठा बनाऊँगी ना, तो उसके लिए आटा लगा रही हूँ। 1.5 कप ली हूँ मैं आटा, ज़्यादा नहीं ली हूँ। 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इतना आटा काफ़ी है। आटा लगाने के बाद मैं साथ में 1 कप और मलाई वाली जो दूध है ना, उसको ले ली हूँ। अगर आपके पास मलाई वाली ना हो तो नॉर्मल तौर पे ले सकते हैं। इसमें डाल दी हूँ मैं लगभग 1.5 चम्मच शक्कर, और अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं सुनाई दे रही होगी आपको, इसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ी गला ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं अच्छे से क्लियर नहीं बोल पा रही हूँ। और इधर मैं दूध से ही आटा लगा रही हूँ, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिल्क पराठा का। मिल्क पराठा नाम है, तो इसको मिल्क से ही गूंथेंगे तभी तो मिल्क पराठा कहलाएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अच्छे से लगाने के बाद ढक्कन लगा के साइड में रख दी थी। तब तक इधर देखिए, टमाटर और प्याज और काजू सभी अच्छे से पक गए थे, तो गैस को बंद कर दी थी मैं, और इसको डायरेक्ट मिक्सर जार में निकाल दे रही हूँ। सभी को निकाल रही हूँ, देखिए एकदम ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी तेल में अच्छे से बन जाती है। सभी को निकालने के बाद देखिए, इसको थोड़े से ठंडा होने देना है और थोड़ा सा पानी डालना है, और अच्छे से इसको पेस्ट तैयार कर लेना है। देखिए इसको इस तरह से पेस्ट तैयार कर ली थी मैं, और इसको ढक्कन लगा के साइड में रख दी थी। और इधर देखिए, पनीर का टुकड़ा ले ली हूँ मैं, ये मेरा घर का पनीर है। आजकल ना थोड़ा सा दूध ज़्यादा आ रहा था, तो मतलब दूध ख़त्म नहीं हो पा रहा था। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो दूध भी बहुत ज़्यादा बच रहा था, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पनीर बना दी थी घर पे ही। तो दो से तीन लोगों के लिए इतना पनीर काफ़ी है। तो कढ़ाई गरम कर ली थी अच्छे से, फिर इसमें तेल डाल के अच्छे से गरम करके इसमें डाल दी थी पनीर को, और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। ज़्यादा नहीं करना है, लगभग हल्का हल्का गोल्डन हो जाए ना, गोल्डन ब्राउन, तो उतना ही करना है। अगर आप फ्राई पसंद नहीं करते हैं तो बिना फ्राई के भी बना सकते हैं, तो मैं आज फ्राई का ही वाला बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरे को एकदम अच्छा वाला सब्जी खाने का मन कर रहा था ना। तेल में उसी तेल में डाल देना है पिसा हुआ जो मसाला तैयार किए थे ना, उसको डालना है। हल्दी डाल देना है, गरम मसाला, सब्जी मसाला, मिर्च पाउडर, नमक, और अच्छे से मिक्स कर देना है इसको, जब तक कि बॉयल ना आ जाए तब तक। देखिए इसमें बॉयल आ गया था, तो इसको मैं ढक्कन लगा दी थी और फ्लेम को लो कर दी थी, और 10 मिनट पकने दी थी। 10 मिनट के बाद देखिए मसाला अच्छे से पक गया था, पूरा अच्छे से मसाला भुन गया था। फिर इसमें डाल दी थी मैं पानी, लगभग 1 गिलास पानी डाल दी थी, अच्छे से मिक्स कर दी थी, और इसको अच्छे से बॉयल आने दी थी। बॉयल जब आ गया था ना, तो फ्राई किया हुआ पनीर को डाल दी थी मैं। पनीर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, देखिए अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास शाही पनीर मसाला हो तो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ढक्कन लगा के फ्लेम को लो कर दी थी, और जो दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, वैसे को ले ली थी मैं 1.5 चम्मच लगभग, और उसको अच्छे से फेंट दी थी। और 10 मिनट के बाद सब्जी अच्छे से बन गई थी, तो ऊपर से डाल दी थी क्रीम को और अच्छे से मिक्स कर दी थी। देखिए पनीर की सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई थी। इस तरह से बना था मेरे यहाँ पनीर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बना था। देखिए तो सब्जी बन के तैयार हो गई थी, तो मैं गैस को बंद कर दी थी और इसे नीचे रख दी थी दूसरी साइड में। सब्जी बन के तैयार हो गया था, तो आटा भी तब तक सेट हो गया था। मैं इधर तवा रख दी थी गैस में, और इधर मैं पराठा बेल रही हूँ। आप अपने मनपसंद से पराठा बेल सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली पराठा बनाते हैं ना, वैसे ही आप बना सकते हैं। वैसे ही मैं बना रही हूँ, छोटा सा लोई ली थी, जितना पराठा लेते हैं ना उतना ही। थोड़ा हल्का सा घी टेस्ट कर सकते हैं, घी लगा सकते हैं तो तेल लगा सकते हैं। मैं तेल लगा रही थी, और दोनों साइड से चौकोन वाला पराठा मोड़ के बेल ले रही थी। जितना मोटा चाहिए आप बना सकते हैं पराठा, थोड़ा सा मोटा ही रहना तो अच्छा लगता है। देखिए इसको उलट पलट करके अच्छे से सेक लेना है, ऊपर से घी या तेल लगा के अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। इस तरह से अच्छे से सेके सभी पराठों को मैं तैयार कर ली थी।
और देखिए मेरा पराठा बहुत अच्छे से सीख रहा है, अच्छे से सीख ली थी सभी पराठा को मैं, सभी पराठा तैयार हो गया था। साथ में लगा दी थी हस्बैंड के लिए मैं खाना, देखिए पनीर की सब्ज़ी रख दी थी, साथ में रख दी थी पराठा, बहुत ही टेस्टी बना था आज का मेरा रात का खाना। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।